सूरत सिविल हॉस्पिटल में 300 हज यात्रियों माटे वैक्सीनेशन केम की शुरुआत, यात्रियोंनी लाइन लगावी। गुजरात राज्य हज कमिटी द्वारा सूरत ना सिविल हॉस्पिटल किडनी हॉस्पिटल में 300 हज यात्रियों वैक्सीनेशन केम की शुरुआत करवामां आवी छे। गुजरात राज्य हज कमिटी द्वारा आयोजन करवामां आव्युं छे। वेली सवारथी ज अहीं हज यात्रियों लांबी कतारों में जोवा मळी हती। आ केम बे दिवस सुधी चालशे अने बे दिवस सुधी चालनार आ केम में सवारे 9 थी बपोरे 1 अने बपोरे 2 थी 5 वाग्या सुधी अहीं लोको वैक्सीनेशन थशे। आ उपरांत जरूरी डॉक्यूमेंट लावा माटे पण अपील करवामां आवी हती। सूरत हज कमिटीना सभ्य साबिरे जणाव्युं के कोरोना संक्रमणने कारणे आखुं विश्व जे प्रकारे तेना संकाजामां आवी गयो, तेने कारणे हज यात्रा पर पण अंकुश लागी गयो हतो। मुस्लिम बिरादरोनी आ धार्मिक यात्राओ खूब ज महत्व छे, परंतु कोरोनाना संक्रमणने कारणे यात्रा बंध हती। आखरे विश्वभरमां भारतमां कोरोना संक्रमण काबूमां छे त्यारे परवानगी मळवानी शरू थई छे। दर वखते समग्र देशमां 1,25,000 करता वधु लोको हज यात्रा जता हता, परंतु आ वखते मात्र 80,000 लोकोने ज परमिशन मळी छे। समग्र ગુજરાતમાંથી 2100 લોકો હજયાત્રા કરશે। સુરત જિલ્લામાં દર વર્ષે 800 કરતા વધારે લોકો હજયાત્રા જતા હતા, પરંતુ આ વખતે 300 લોકોને જ મંજૂરી આપવામાં આવી છે। બે દિવસ દરમિયાન તમામ વ્યક્તિને વેક્સિનેશન લઈ શકે તે પ્રકારની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। રાજ્ય સરકારના સહયોગથી અને હજ કમિટીના સભ્યો દ્વારા વ્યવસ્થિત રીતે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેથી કરીને કોઈ યાત્રાળુને મુશ્કેલી ન થાય। સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે કરવામાં આવેલા આયોજનથી હજી યાત્રીકો ખુશ છે। समीरभाई दरा, जो गुजरात हाजी हज कमेटी की तरफ से जो हाजी हज करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए सूरत शहर वालों के लिए 80 करोड़ का प्रोग्राम सिविल हॉस्पिटल में रखा गया है, जो आज यानी 2 दिन का प्रोग्राम चलेगा, 14 तारीख और 15 तारीख के लिए खास ये प्रोग्राम हाजियों के लिए। तो सूरत शहर की सिविल हॉस्पिटल में जो मजूरा गेट के पर है, जो उसके अंदर ट्रामा सेंटर के अंदर जो नया बिल्डिंग बनाए उसके अंदर ये प्रोग्राम चालू है। ये सूरत शहर के गाँव पर 400 हाजी है जिसका रस्सीकरण का प्रोग्राम होगा। इसके बाद उन हाजियों को जो बैग जो हज कमेटी तक दी जाएगी उसका भी प्रोग्राम बाद में उनको यहाँ से बैग का भी प्रोग्राम दिया जाएगा। हाजीपुर सूरत शहर के यहाँ पे हाजी आएंगे इंशाल्लाह आज 2 दिन तक, सुबह 9 से लेकर ऊपर को 1 बजे तक और शाम को 3 से 5 बजे तक का प्रोग्राम चालू रहेगा। हाजी लोगों को ये मैसेज देना चाहता है कि जो आए वो हाजी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ा शांति बनाए रखे और अपना जो रस्सीकरण का कैंप में जो ये है जो वो रस्सी आपको जो दी जाएगी जो वो इसलिए दी जाएगी कि आपको वहाँ पे यानी ह्यूमिडिटी कम ना हो और आप बीमार ना पड़े, इसके लिए वो रस्सी लेना उनके लिए जरूरी है। और वहाँ जाकर खास ये दुआ करें हाजी लोग जो खिदमत कर रहे हैं ट्रेनर उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी जो मेहनत कर रहे हैं कबूल करे और उनको भी यानी हज की सहायता रिसीव करें। हज कमेटी का गुजरात आज से 21 तारीख की फ्लाइट इंशाल्लाह।